हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पीएस डिजाइन फॉरएवर। गाइस, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं डमी पर किस तरीके से बेसिक बॉडीज ब्लॉक को ड्रैप करेंगे एंड देन ड्रैप करके प्रॉपर मेजरिंग के साथ उसी ड्रैप ड्रेस को किस तरीके से हम पैटर्न पे ड्रॉ करके कट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ए बी टेक्निक का यूज करके पैटर्न बनाना उनके लिए इशू हो रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं उनके लिए ये इजी टेक्निक लेकर के आई हूँ जिसको वो ट्राई करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना पैटर्न बना सकते हैं और ऑल्सो ड्रेस को स्टिच कर सकते हैं। दिस इज प्रीति शर्मा, फैशन डिजाइनर एंड ट्रेनर। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइस, ड्रेस ड्रैप करने से पहले हम मेजरमेंट ले लेंगे, हम इंच पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक बेस होता है मेजरमेंट का डमी के ऊपर, जब भी हम ड्रैप करते हैं या मेजरिंग लेते हैं तो ड्रैप करते टाइम 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जो ये मिड पॉइंट है शोल्डर का, तो यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा बैक साइड लेंगे, जिससे कि स्टिचिंग टाइम पे हमें इशू ना हो और हमारा फैब्रिक सेफ हो, बचा रहे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ से प्रॉपर लेंथ लेंगे। तो यहाँ से आपको जितना लेंथ चाहिए, 16 इंच 18 इंच, ये हमारा लोअर वेस्ट है एंड दिस इज अवर अपर वेस्ट, ठीक है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे एंड देन जा करके हम यहाँ पे नीचे वेस्ट को मापेंगे, ठीक है। एंड ये तो हो गया वेस्ट की लेंथ। एंड देन वैसे ही सेम टू सेम 2 इंच लेकर के उसके बाद हम नेकलाइन को मेजर करेंगे। तो नेकलाइन आपका लेंथ जितना भी हो आप उतना वहां से लोगे। फिलहाल मैं 10 इंच पे लूंगी तो मैं आपको 10 इंच पे दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो आर्म होल होता है, तो आप ये देख रहे हो कि आर्म होल का प्रॉपर शेप दिया हुआ है, तो हम वैसे ही अलग अलग पार्ट को कट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम मेजरमेंट लेंगे और आर्म होल को भी उसी के हिसाब से प्रॉपर ब्लॉक में कट करेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे भी सेम टेक्निक यूज करेंगे, साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक एंड देन हम ड्रैप करेंगे। गाइस, ये हमने व्हाइट फैब्रिक लिया है और हम इसे व्हाइट फैब्रिक से, कॉटन बेस्ड फैब्रिक से हम ड्रैप करेंगे। सबसे पहले मैं नेकलाइन के लिए मिड पॉइंट को कट कर लूंगी, जितना हमें लेंथ चाहिए बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, उसके बाद तो हम कट करेंगे एंड देन हम इसको ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताई कि ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से बीच में अटैच करते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इसको आप और कट कर लो इस तरीके। फैब्रिक को ध्यान देना कि बहुत ज्यादा नहीं फाड़ना है, जितना लेना चाहिए हम एक पल इसको ड्रैप कर लेंगे। प्रॉपर पॉइंट पे ला करके ड्रैप कर, ठीक है। अब इसको भी सेम टू सेम ले लेंगे, आर्म होल को प्रॉपर ले लेंगे, यहाँ पे ला करके इसको भी सेम तरीके से करेंगे, ऐसे ला करके कट करने में हमें इशू ना हो।
फैब्रिक को पहले से गोल कर दिया था, ये देखो यहाँ पे ऐसे सोल टाइप का है, तो हम इसको यहाँ पे डॉट लगाएंगे। उसके पहले हम नेक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड कट कर लेते हैं। डायग्राम के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, जो आपका शेप है आप उसे शेप में ले सकते हैं। आर्महोल को भी ड्रॉ कर लेंगे। फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेकर के कट करेंगे। फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पे डॉट डाले हैं, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी एक डॉट डाल देंगे। तो इसके मिड पॉइंट से लेंगे एंड देन अटैच द डॉट। बहुत पतला सा डॉट पड़ता है तो इसके लिए हम छोटा सा ही ऐड करके और इसको पिन अप कर देंगे। ये अपने आप जब स्टिचिंग पॉइंट्स आएंगे तो ये वहां पे बैठ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसको अटैच कर, ये हो गया आर्महोल। अब हम नेक लाइन बनाएंगे। गाइस ये नेक लाइन के लिए हमने मिड में कट कर दिया है, अब हम इसको हल्का डायगोनली कट करेंगे, बिकॉज नेक लाइन जो है हमारा वो डायगोनली शेप में है। तो एक्स्ट्रा कट करेंगे जितने भी जब हम करें तो इसको प्रॉपर ले ले। तो इस तरीके से हम इस फैब्रिक को कट करेंगे। ये हमारे नेकलाइन कट हो चुका है, अब हम इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके और ड्रैप कर लेंगे ताकि फिनिशिंग इसकी पता चले। नेकलाइन आप इस पे राउंड भी कर सकते हो, वी शेप में भी कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा नेकलाइन बना सकते हो। इस तरीके से हम डॉट देंगे, आप ध्यान दो इसमें दो ही डॉट देंगे, बहुत ज्यादा डॉट नहीं देंगे। ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं शोल्डर के बीचों बीच से इसकी पॉइंट्स ले रही हूँ और इसको दोनों साइड से फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसके डॉट्स को पिन अप कर देंगे। ये हमारा डॉट रेडी हो गया। अब जो भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है हम इसको इस साइड से ले लेंगे, जिससे कि हमारा आर्महोल सही से सेट हो जाए। तो गाइस ये है फिटिंग। तो आप इस तरीके से ड्रेस को ट्रैप करके प्रॉपर एंड देन इसको स्टिचिंग करके एक प्यारा सा ड्रेस बना सकते हो।
और अब इसी को आप पैटर्न पे भी रख करके कट कर सकते हो। तो गाइस पैटर्न की कटिंग एंड ड्रेस स्टिचिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे साथ कुछ लर्न कर रहे हैं, सीखना है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ, आप उस पर जा करके वीडियोज बनाइए और बना करके मुझे शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।